तो मेंटेनेंस का काम आज आपको दिखाने वाले हैं ऑटोमेटिक मुर्गी फार्म में, क्योंकि इसमें जो मेंटेनेंस का काफ़ी अहम रोल इसमें होता है, क्योंकि मशीन बड़ी होती है, काफ़ी लंबाई मशीन की होती है, करीब 97 मीटर जो लंबाई है जो मशीन में दिखा रहा हूँ ये ऑटोमेटिक मुर्गी फार्म की। और इसमें टोटल जो बेल्ट के द्वारा, अब ये बेल्ट में दिखा दूँ, ये मैनुअल बेल्ट है जो इसमें बीट निकलती है, इसमें थोड़ा दिक्कत आई है। और इसमें ये बेल्ट जो दिखा रहा हूँ ये अंडे की बेल्ट है। तो सारा जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, और यहाँ पे इंजीनियर जो हैदराबाद के आए हैं, हैदराबाद से इंजीनियर आए हैं, वो उसको ठीक करेंगे। और जो मेंटेनेंस का जो दिक्कत आ रही है वो मैं दिखा रहा हूँ कहाँ के, ये मैनुअल बेल्ट है जो नीचे, ये इसमें दिक्कत आ रही है। और इसे जोड़ने के लिए इंजीनियर साहब आ चुके हैं हैदराबाद से, ये ठीक करेंगे इसे। और मशीन है जो मैं दिखा रहा हूँ, एक तो ये मशीन है और एक दूसरे की मशीन ये है। इसकी 2.5 लाख रुपये की जो मशीन है, खाली छोटी सी मशीन आपको लग रही है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन होती है। ये 2.5 लाख रुपये की जो मशीन है, तो जर्मन से जो मंगाई है यहाँ पर, इसकी इससे जो सारा काम होगा बेल्ट जोड़ने का। तो ये है 2.5 लाख रुपये की मशीन जो कि जर्मन से आई है। और ये जो बेल्ट जोड़ती है, ये जो मैनुअल बेल्ट, मैं नीचे आपको दिखा दूँगा एक बार। अब मैनुअल बेल्ट में जो दिक्कत आई है ये यहाँ पे हो रही है, ये जो बेल्ट है ये टुकड़ा इसमें टूट गया, यानी कि जो लोड होने के कारण जो इसमें जो दिक्कत आई है ये यहाँ से टूट चुकी है। ये जो पूरी बेल्ट है ये यहाँ से जो इसमें कट हो गया, यानी कि ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे फट गई है पूरी बेल्ट, यहाँ से जो अलग हो गई है। इसका जो दूसरी तरफ जो है वो काफ़ी खींच के और लंबा हो गया, तो इसमें करीबन 5 मीटर का इसमें जो टुकड़ा लगाना पड़ेगा उसमें जॉइंट होगा। और जॉइंट ही बहुत ही अलग तरीके से ये मशीन करती है जॉइंट। ये बेल्ट मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये बेल्ट है बहुत ही अलग ही मटेरियल की है, बहुत ही मजबूत है, लेकिन ये टूट रही है। और इसे जोड़ने के लिए जो मशीन अलग ही आती है, इसमें जो पूरा बेल्ट इसमें जोड़ देंगी, जहाँ पे जो इसका जोड़ लगेगा मशीन के द्वारा, वहाँ से जो गति भी जो ख़राब नहीं होने वाली, बहुत ही बढ़िया जो इसमें जोड़ने वाले हैं। अभी जो कार्य है स्टार्ट हो चुका है, इसका कटिंग करेंगे पहले, और उसकी जो कटिंग करने के बाद इसमें जोड़ना जो स्टार्ट करेंगे, तो काफ़ी करीबन 2-3 घंटे इसमें लगने वाले हैं। ये इंजीनियर है लिंडू सिंह, मैं तो लिंडू सिंह, ये साउथ वाले हैं भाई। और पूरा जो मैनुअल बेल्ट है सिस्टम दिखा दो। हाँ भाई, मिस्त्री आ गए, मिस्त्री भी जो इसमें काम कर रहे हैं। और बेल्ट जो यहाँ से अब ये टुकड़े इसमें जोड़ने पड़ेंगे जो बाहर में दिखा रहा हूँ, और बाद उसके बाद जो मैनुअल बेल्ट बाहर निकलेगी। तो वीडियो में मेरा कहना यही था कि इसमें मेंटेनेंस का बहुत कम है, ध्यान रखने वाली बात है ये, क्योंकि बहुत ही इसकी महंगे जो इंस्ट्रूमेंट हैं सारे लगे हुए हैं ऑटोमेटिक मुर्गी फार्म में, तो बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। मैनुअल बेल्ट हो या कोई भी मशीन हो, उसकी सफाई ज़रूरी है, और इसमें जो देख रेख बहुत बड़ी ज़रूरी है। जब भी आपको मैनुअल बेल्ट की जो यानी कि बीट आपको निकालनी है, तो एक बंदे को पीछे होना चाहिए और एक बंदे को जो आगे होना चाहिए, बाकी वहाँ से जो कंट्रोल होती है, जिससे बेल्ट नहीं पड़ती, क्योंकि बेल्ट की जो कीमत है वो 1.5 लाख रुपये है। जो बेल्ट मैं ये दिखा रहा हूँ जो टूटी हुई है, वो उसकी 1.5 लाख रुपये एक बेल्ट की कीमत है। और करीबन 1, 2, 3, 4, 5 बेल्ट एक लाइन में है, यानी कि टोटल इस साइड में पूरी में तो 20 बेल्ट इसमें लगे हुए हैं, तो उनकी कीमत आप देख लो कितनी महंगी है। इंस्ट्रूमेंट बहुत महंगे हैं, इसे ध्यान से जो अपना कार्य करें ऑटोमेटिक पूरी फार्म।